हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूं आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं और एक प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट फ्रॉम द ब्रांड न्यू हर्ब्स। मैंने रिसेंटली 2-3 ब्रांड्स ऑफ प्लांट प्रोटीन रिव्यू किए थे अपने चैनल पे और उस पर उसके ऊपर मुझे कमेंट्स आए कि यू नो न्यू हर्ब्स के प्लांट प्रोटीन को भी प्लीज़ रिव्यू करो। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट में। मैंने जनरली मैं जो प्लांट प्रोटीन रेकमेंड करता हूँ अपने व्यूवर्स को वो है फ्रॉम द ब्रांड कॉस्मिक, ओरिजिन न्यूट्रिशन का है, फिर अर्थफुल का है, नेचुरटीन का प्लांट प्रोटीन है। सो बेस्ड ऑन माय रिसर्च, बेस्ड ऑन माय रिव्यूज, आई हैव फाउंड दिस ब्रांड्स प्लांट प्रोटीन टू बी गुड क्लीन क्वालिटी। मैं पर्सनली एज ऑफ नाउ कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन को यूज़ करता हूँ। Fortunately, you know, price for me is not much concern, क्योंकि ये जो clean, high quality plant proteins होते हैं वो generally they tend to be a bit expensive, okay? So उसको अगर आप कोई आपके आपका कोई budget constraint नहीं है तो I would definitely suggest कि आप you know इन plant proteins को plant protein जो मैंने brands अभी बताया उसको prefer करो, because they are using clean ingredients, quality ingredients and सबसे बड़ी चीज़ इनमें जो unflavored तो है ही है, जिसमें you know they are super clean unflavored वाले versions, लेकिन जो flavored वाले variety हैं इन brands के उनमें भी उन्होंने जो sweetener use किया हुआ है वो natural sweetener है, जो या better sweetener है than what maybe new herbs is using this case। हम लोग आगे checkout करेंगे। और जो कलर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है उन ब्रांड्स ने, फिर जो फ्लेवर्स हैं वो नेचुरल फ्लेवर्स हैं, नॉन आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ठीक है? तो इसलिए वो ब्रांड्स को मैं प्रेफर करता हूँ। बट क्विकली इस वीडियो में हम लोग चेकआउट करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को, इंग्रेडिएंट लिस्ट को ऑफ न्यू हर्ब्स प्लांट प्रोटीन और देखते हैं क्या एग्जैक्टली हमें मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस प्लांट प्रोटीन का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। तो इन्होंने इधर पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन का इस्तेमाल किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा हुआ है किसी पी प्रोटीन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो यू नो वी माइट नॉट गेट कंप्लीट अमीनो एसिड्स। कुछ एक जो अमीनो एसिड्स है जो शायद मिसिंग हो, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? मिथोनाइन एक है, लाइसिन वगैरह है, यू नो, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए ब्रांड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पी प्लस ब्राउन राइस प्रोटीन यूज़ करते हैं टू एंश्योर दैट द अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट? इस न्यू हर्ब्स के प्लांट प्रोटीन का अमीनो एसिड प्रोफाइल है विच लुक्स टू बी गुड, विच लुक्स टू बी कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि ये ब्राउन राइस और पी प्रोटीन कितने परसेंटेज में, कितने रेशियो में यूज़ किया हुआ है। अ गुड रेशियो वुड बी 70-30 या 80-20, यानी 80% पी प्रोटीन और 20% ब्राउन राइस प्रोटीन। ये जो रेशियो है वो इंश्योर करेगा कि जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है, जो मिसिंग अमीनो एसिड है, आई एम नॉट से मिसिंग बट जो जिसका क्वांटिटी कम है, जैसे अमीनो एसिड का क्वांटिटी कम है, वो बैलेंस आउट हो जाए। तो ये जो रेशियो है 7:3 या 8:2 का वो इम्पॉर्टेंट है। मैंने इस ब्रांड को एज ऑलवेज इस ब्रांड को भी मैंने मेरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन सेंड आउट किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने फॉलोअप्स किए बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो बेसिकली जो पी प्रोटीन है वो हाई होता है लाइसिन अमीनो एसिड में, लेकिन उसमें मिथुनाइन कम होता है, और ब्राउन राइस जो है वो उल्टा होता है, मिथुनाइन आपको ब्राउन राइस से मिल जाएगा, लाइसिन ज़रा कम होता है, तो ये बैलेंस आउट हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड। फिर जो नेक्स्ट चीज़ मैं देखता हूँ कोई भी प्लांट प्रोटीन में वो है उनका एक्सट्रैक्शन मैथड, जिसके लिए डेफिनेटली कोई भी ये इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे या अपने प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर देता नहीं है कि उनका एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है। बहुत ही कम ब्रांड्स होते हैं, तो इसलिए आई जनरली टेंड टू अप्रोच ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ब्रांड को। जैसे मैंने कहा इस न्यू हर्ब्स ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया मुझे, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन मेथड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी सॉल्वेंट या केमिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। द बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड आई वुड से इज वेट फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज में काफ़ी डिटेल दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं डिटेल कि क्यों ये मेथड होता है द बेस्ट मेथड। और अगर कंपनी ये कंफर्म करती है कि दे आर यूजिंग दिस वे फॉर एक्सट्रैक्टिंग, दैट मीन्स जो सारे न्यूट्रिएंट्स है वो इंटैक्ट रहेंगे, कोई केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है? तो एक भरोसा रहता है कि ओके फाइन, द वे दे हैव एक्सट्रैक्टेड द न्यूट्रिएंट्स, द वे दे हैव एक्सट्रैक्टेड द प्रोटीन फ्रॉम दिस फूड इज इन अ हेल्दी वे, इन अ गुड वे। और ऐसे ब्रांड के जो प्लांट प्रोटीन रहते हैं दे हैव हाई बायो अवेलेबिलिटी, और उनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी रहती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि प्लांट प्रोटीन टेंड्स टू बी बेट
नॉट दैट स्मूथ एज वे प्रोटीन, ठीक है. तो यू नो ये डाइजेस्टेबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इन प्लांट प्रोटीन. जनरली जो प्रीमियम हाई क्वालिटी ब्रांड्स रहते हैं दे यूज दिस मेथड टू एंश्योर द प्लांट प्रोटीन इज प्योर एंड फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन. फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है वो है फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट. नाउ आप न्यूट्रिशन प्रोफाइल को अगर चेकआउट करोगे तो आपको दिखेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ब्रैकेट में लिखा है ALA. तो क्या हमें ओमेगा 3 ALA चाहिए इन अवर प्लांट प्रोटीन? आई मीन इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. मेरे को पर्सनली तो ALA की कोई ज़रूरत है नहीं प्लांट प्रोटीन में फॉर्म मी, ठीक है. अगर आपको ओमेगा 3 चाहिए तो वी नीड DHA, डाइकोसा हेक्सानोइक एसिड एंड EPA, एकोसा पेंटोनिक एसिड, राइट. वी ऑल नो जो भी शायद ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं तो उनको मालूम है कि हमें EPA और DHA चाहिए. ALA हमें फूड से इजीली मिल जाता है, जैसे फ्लैक्सीड आप खा भी सकते हो, राइट. लेके आके फिर वॉलनट्स है, चिया सीड्स है, इससे भी आपको ALA मिल जाएगा. तो एज सच ओके, कोई हार्मफुल आई मीन कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं है, बट देन कोई जरूरत नहीं थी इधर ALA की आउट से. अगर DHA EPA दे पाते तो अच्छा होता. फिर नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट विच इज़ ओके. न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पर चेक कर सकते हो इसकी क्वांटिटी. फिर नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस है, ये जो स्क्रीन पे है वो मैंगो फ्लेवर है. तो जैसे मैंने कहा मैं ऐसे ब्रांच को प्रीफर करता हूँ जो नेचुरल फ्लेवर्स का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज नेचर आइडेंटिकल, दैट मीन्स इट इज़ नॉट नेचुरल. केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर टू नेचुरल फ्लेवर्स है. बट बेयर इन माइंड कि जो नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं वो भी 100% नेचुरली नेचुरली वे से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है. सम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग उसमें भी होता है, ठीक है. बट एटलीस्ट कंपनी का इंटेंशन हमें समझ में आता है व्हेन दे यूज नेचुरल फ्लेवर्स. और ये जो नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, बेसिकली सिंथेटिक है, राइट. लॉन्ग टर्म में राइट वी माइट गेट सम साइड इफेक्ट्स, वी नेवर नो. रिसर्च आती रहती है और कुछ बाद में रिसर्च आ जाए जिससे प्रूव हो कि शायद इसके लॉन्ग टर्म के जो हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं दे आर नॉट गुड, राइट. तो इट्स बेटर टू अवॉइड एनी सच प्रोडक्ट्स विच यूजेस सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स एज मच एज पॉसिबल, जितना कम हो उतना बेटर. फिर एंजाइम ब्लेंड है इसके अंदर, अम्लेज है, प्रोटीएज है, लैक्टेज है, लिपेज है, सेल्युलेज है. तो दिस इज़ गुड एडिशन दोस्तों, ये एंजाइम से डाइजेस्टिव एंजाइम से बेसिकली राइट आपके प्रोटीन को अच्छे से ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे, आपके फैट को अच्छे से ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे. अगेन हर किसी को इसकी ज़रूरत है शायद नहीं, आई वुड नॉट प्रेफर दिस इन माई प्लांट प्रोटीन. कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, माई डाइट इज़ वेरी क्लीन, आई एक्सरसाइज एंड ओवरऑल लाइफ स्टाइल मेरी हेल्दी है, जिसके वजह से डाइजेस्टिव एक्सटर्नली मुझे डाइजेस्टिव एंजाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. मेरे को फूड के थ्रू मिल जाता है और मुझे वैसे मेरा गट हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छा है, राइट. बिकॉज ओवरऑल मेरी लाइफ स्टाइल हेल्दी है, जो आपको भी आपका भी गोल यही होना चाहिए. फिर नेक्स्ट मेंशन क्या हुआ है इसने, स्वीटनर INS 955. नाउ सुक्रालोज दोस्तों आर्टिफिशियल स्वीटनर है और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बार कहा है कि आई डोंट प्रिफर एनी ब्रांड दैट यूजेस सुक्रालोज, क्योंकि काफ़ी रिसेंटली काफ़ी डिबेट्स हुए हैं, काफ़ी स्टडीज़ आई है कि सुक्रालोज इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ इन लॉन्ग टर्म. अगर आप लॉन्ग टर्म कंजम्पशन इसका करते रहते हो तो राइट, प्लांट प्रोटीन से थ्रू आपको सुक्रालोज अगर मिल रहा है तो इट इज़ नॉट गुड. एंड वाई शुड यू टेक अ रिस्क एंड वाई शुड यू बी इन डाउट अगर ऐसे कोई दूसरे ब्रांड्स है जो सुक्रालोज नहीं मे बी दूसरे नेचुरल स्वीटनर्स इस्तेमाल कर रहे हो. जैसे मैं प्रीफर करता हूँ ऐसे ब्रांड जो मॉन्ग फ्रूट यूज़ करता है एज अ स्वीटनर, या फिर स्टीविया इज ऑल्सो ओके, बट सुक्रालोज इज़ अवॉइड फॉर मी, ठीक है. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जैसे कहा मैंने कहा सुक्रालोज क्यों अवॉइड करना चाहिए उसके ऊपर डिटेल्स दी हुई है. इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मे नॉट बी गुड फॉर योर डाइजेशन, मे नॉट बी गुड फॉर योर गट हेल्थ, ओवरऑल गट हेल्थ, गट माइक्रोबाइन को इम्पैक्ट हो सकता है. सारी डिटेल्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताई हुई है, ज़रूर चेकआउट करना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर दूंगा, ज़रूर पढ़ना, आपको हेल्प होगी. फिर इसके अंदर इन्होंने प्रोबायोटिक्स प्लांट भी ऐड किया हुआ है विच इज़ ओके. नाउ अगेन जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन्होंने ऐड किया हुआ है, प्रोबायोटिक्स को भी ऐड किया हुआ है जस्ट टू शो कि ये एक डाइजेस्टिव ब्लेंड भी दे रहे हैं, राइट. बट अगेन प्रोबायोटिक्स भी हमें ऑलरेडी फूड के थ्रू मिल जाते हैं, आपका दही खा सकते हो, राइट. फर्मेंटेड फूड से इडली डोसा उसमें से भी मिल जाता है. फिर कांजी एक ऐसा इंडिया बेस्ड ड्रिंक है बेसिकली जो आप ट्राई आउट कर सकते हो. मैंने कांजी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, प्रोबायोटिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है जो आप चेकआउट कर सकते हो.
फिर इसके अंदर स्टेबलाइजर INS 415, 412, एमल्सिफायर है इसके अंदर मिक्स किया हुआ है INS 322 एंड एंटी केकिंग एजेंट 551 INS 551 का इस्तेमाल किया हुआ है। अब बेसिकली ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है दे आर एडिटिव्स फिलर्स, ठीक है, ये एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए ऐड किया जाता है, लम्स ना बने, क्लम्स ना बने इसके लिए ऐड किया जाता है, ठीक है। और ऑफकोर्स आपका जो प्रोटीन पाउडर है वो अच्छे कंडीशन में रहे फॉर लॉन्ग टाइम इसके लिए ऐड किया जाता है, एक स्मूथ कंसिस्टेंसी दे आपको इसके लिए ऐड किया जाता है, एक फील गुड फैक्टर मिले आपको जब आप ये शेक बनाओ और पियो इसके लिए ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर आप अनफ्लेवर्ड वाला कोई भी प्लांट प्रोटीन रहते हो तो उसके अंदर ये फिलर्स एडिटिव्स नहीं होते, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके लिए आपको क्लीन प्रोटीन प्लांट प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। इस केस में ये एडिटिव्स फिलर्स ऐड किए हुए हैं, देखते हैं कि क्या ये सिंथेटिक है, नेचुरल है, डिटेल्स चेक करते हैं और फिर जज करते हैं इस प्रोडक्ट को। तो INS 415 जो है वो जेंथन गम है, ये बेसिकली एक नेचुरल सब्सटेंस है, एक नेचुरल थिकनर और स्टेबलाइजर का काम करता है, इस प्रोडक्ट में काम कर रहा है और इसको बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है बाय फर्मेंटिंग सिंपल शुगर, तो नेचुरली वे से प्रोड्यूस किया जाता है, सो इट्स ओके। फिर जो INS 415 है गौर गम है, अगेन ये भी एक नेचुरल थिकनर है, स्टेबलाइजर है, इट इज डिराइव फ्रॉम गौर पेन्स नेचुरली सोर्स किया हुआ है, विच इज अगेन ओके। और इसका इस्तेमाल किया गया है इधर टू इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ योर प्लांट प्रोटीन, जैसे मैंने कहा अनफ्लेवर्ड वाले में ये सब इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें टेक्सचर स्मूथनेस वगैरह आपको इतना नहीं मिलेगा, एक फील गुड फैक्टर नहीं आएगा, लेकिन आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा अनफ्लेवर्ड वाले में और नो फिलर्स नो एडिटिव्स ओनली प्योर प्लांट प्रोटीन आपको उसमें से मिलेगा। फिर INS 322 है विच इज़ बेसिकली लेसिथिन, नाउ ये सोया लेसिथिन हो सकता है, सनफ्लावर लेसिथिन हो सकता है, आई डोंट नो, कंपनी ने कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हुआ है। सनफ्लावर लेसिथिन अगर है तो इट इज़ गुड नेचुरल, सोया लेसिथिन अगर है तो अगेन इट इज़ ऑल्सो नेचुरल, बट उसमें GMO और सोया से अगर किसी को एलर्जी है तो शायद दिक्कत हो सकती है, राइट। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे प्लांट प्रोटीन या ऐसा वे प्रोटीन जो लेसिथिन इस्तेमाल कर रहा है तो वो सनफ्लावर लेसिथिन हो रादर देन सोया लेसिथिन, जस्ट एक प्रेफरेंस है, पर्सनल प्रेफरेंस फॉर मी। और ये जो लेसिथिन है उसको ऐड किया जाता है ताकि क्लम्स ना बने, एक स्मूथ शेक आपको मिले। फिर INS 551 सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक बेसिकली यू नो एंटी केकिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ना इसका जो सोर्स है वो सिंथेटिक भी बनाया जा सकता है, नेचुरली भी सोर्स किया जा सकता है, लेकिन फूड्स में ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें सिंथेटिक वाला ही इस्तेमाल करते हैं रादर देन सोर्सिंग इट नेचुरली, ओके, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट बट दैट इज़ हाउ इट इज़ एट प्रेजेंट, राइट। सो इट्स ओके, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही कम क्वान्टिटी में इस्तेमाल किया होगा, बट अगेन आई वुड नॉट प्रेफर दिस फिलर इन माई प्लांट प्रोटीन। और इसको ऐड किया गया है अगेन जस्ट टू प्रिवेंट द क्लम्पिंग, वैसे क्लम्पिंग और स्मूथ शेक इज नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट क्लीन प्योर प्लांट प्रोटीन, राइट। क्लम्स बने तो ठीक है, मैं जरा आप स्पून से या मिक्सी यूज़ करके यू नो क्लम्स को दूर कर सकता हूँ, यू नो एक स्मूथ शेक ना मिले मुझे तो भी चलेगा, ठीक है, वो अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए, उसके लिए मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, रादर देन पॉइंटिंग फिंगर एट प्लांट प्रोटीन की डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ठीक से, ब्लोटिंग हो रही है। अगर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो प्लांट प्रोटीन, कोई भी प्लांट प्रोटीन लो आप, ठीक है, कितना भी महंगा या कितना भी हाई क्वालिटी, उससे दिक्कत आपको होनी ही है। तो सबसे पहले आपका लाइफ स्टाइल सुधारो, इम्प्रूव करो, एक्सरसाइज करो, यू नो एक अच्छा स्लीपिंग पैटर्न अपनाओ, इनफ वाटर पियो, लाइफ स्टाइल हैबिट सुधारो, प्लांट प्रोटीन आपको कोई भी ब्रांड का अच्छा क्वालिटी प्लांट प्रोटीन रहो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, विच मीन्स कि आपको प्लांट प्रोटीन में कोई भी एडिटिव्स या फिलर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए आइडियली। इसकी जो एक्सपायरी है दोस्तों 18 मंथ्स की एक्सपायरी है, 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी एक साल से ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट आई वुड पर्सनली प्रीफर अगर आप डिसाइड कर रहे हो इसको लेना तो जैसे ही परचेस करते हो तुरंत यूज़ करना स्टार्ट करो एंड विद इन 3-4 मंथ्स यू नो इसको फिनिश करने का जरूर ट्राई आउट करो। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पर अगर हम ध्यान दें तो इसकी जो सर्विंग साइज़ है वो है 34 ग्राम, 34 ग्राम्स में आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलने वाला है, दैट मीन्स लगभग 70% प्रोटीन है इसके अंदर, विच इज़ ओके फॉर अ प्लांट प्रोटीन, ठीक है, और ये फ्लेवर्ड है सो उसके लिए उसके हिसाब से जो रेशियो है 70% ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग इज़ गुड। फिर इसके अंदर कोई भी एडिड शुगर नहीं है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे मैंने कहा ALA 300 मिलीग्राम है इसके अंदर, और सोडियम जो है 106 मिलीग्राम है जो कॉमन सॉल्ट की मैंने बात की, विच इज़ ओके, ज़्यादा नहीं है,
और फिर अमीनो एसिड प्रोफाइल पे अगर ध्यान दो तो यू नो सारे अमीनो एसिड प्रोफाइल जो एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल है जो किसी भी प्लांट प्रोटीन किसी भी प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं वो अवेलेबल है इसके अंदर. क्वांटिटी इज ऑल्सो डिसेंट इनफ. तो ओवरऑल जो इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो अच्छा लग रहा है. एंजाइम्स ब्लेंड भी है, प्रोबायोटिक्स ब्लेंड भी है. एंजाइम्स 15 मिलीग्राम और प्रोबायोटिक्स जो है वो 10 मिलियन CFUs जो है दे आर गुड इनफ आई वुड से. अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 500 ग्राम आपको 849 में आ जाएगा न्यू अप के वेबसाइट से, और अगर आप अमेजोन से लोगे तो भी लगभग उतना ही प्राइसिंग है. ठीक है, अगर कोई डिस्काउंट्स वगैरह है तो आपको वो डिस्काउंट्स मिल जाएंगे अमेजोन से. तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दोस्तों आपको दे दी है. अभी आप आपका डिसीजन खुद ले सकते हो कि ये प्लांट प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए या नहीं. मैंने लैब टेस्ट इसका नहीं करवाया या मैं नहीं सोच रहा हूँ करवाना, क्योंकि इसके जो इन्ग्रीडियंट्स है राइट वो मुझे आई मीन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन द इंग्रेडिएंट. जैसे मैंने कहा सुक्रालोज है, इसलिए आई वुड नॉट प्रेफर दिस प्लांट प्रोटीन एनीवेज. फिर इसके अंदर जो फ्लेवर्स है वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल आयरन का फ्लेवर्स है, बेसिकली आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है, फिर एडिटिव्स ऑफ फिलर्स भी है. इसके वजह से मैं ये प्लांट प्रोटीन खुद प्रेफर नहीं करूँगा और रिकमेंड भी नहीं करूँगा. ठीक है, इसलिए शायद लैब रिपोर्ट करने का कोई मीनिंग भी नहीं बनता है. जैसे मैंने कहा दूसरे ब्रांड्स ऑफ प्लांट प्रोटीन है जो क्लीन प्योर है, आप उसको ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हो अगर आपका कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो. प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं है दोस्तों. लॉन्ग टर्म का अगर आप सोचोगे तो आपको इसको यू नो जो प्राइस आप पे करोगे उन ब्रांड के प्लांट प्रोटीन के लिए वो डेफिनेटली वर्थ इट है, क्योंकि आपको आगे जाके कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होने के कोई रिस्क जो है वो कम है या कुछ भी नहीं है राइट. तो ये सारे चीज़ों को सारे चीज़ों के बारे में सोचो, एक होलिस्टिक अप्रोच भी अपना, सिर्फ प्लांट प्रोटीन के ऊपर डिपेंड मत रहो. अगर आप कोई प्लांट प्रोटीन लेने का सोच रहे हो तो आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट भी फॉलो करना चाहिए और फूड से भी प्रोटीन लेने का जरूर ट्राई आउट करो, क्योंकि नथिंग कैन रिप्लेस फूड. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स. आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून, एंड देन गुड बाय, टेक केयर, चेस, बाय, एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. डू सम बेसिक एक्सरसाइजेस एट होम एंड टेक केयर.